Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट. वरुण धवन ने रिसेंटली करण के चैट शो में एक्सेप्ट किया कि उनकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है जो बहुत लंबे समय से उनके पार्टनर हैं। वेल श्योरली दिस साउंड्स लाइक पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज अलेज्ड गर्लफ्रेंड नताशा दलाल, बट शायद ये लोग अपना रिलेशनशिप छिपा कर ही रखना चाहते हैं। रिसेंटली इन दोनों को मुंबई के एक थिएटर में साथ फिल्म देखने के लिए जाते वक्त स्पॉट किया गया। बट द मोमेंट मीडिया वेंट देयर, इन लोगों ने अलग अलग रास्तों से निकलने का प्लान किया और कैमरा को फेस करना अवॉइड ही किया। खबरें फटाफट। करण जौहर प्लान कर रहे हैं अपने बेस्ट बॉडी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए ग्रैंड बर्थडे बैश। रिपोर्टेडली करण मनीष के बर्थडे यानी 5 दिसंबर को एक पार्टी रखने वाले हैं, जहां उनके ढेर सारे इंडस्ट्री फ्रेंड्स भी मौजूद रहेंगे। वैसे मनीष मल्होत्रा ने अपनी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी शुरू कर दी है। रिसेंटली कटरीना कैफ के साथ मनीष मल्होत्रा ने एडवांस में मालदीव्स में किया था अपना बर्थडे केक कट। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर की मॉम शिवांगी कपूर हैं फरहान अख्तर के साथ कंफर्टेबल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, श्रद्धा कपूर और फरहान के साथ शिवांगी भी मुंबई में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट पर मौजूद थी, और इनसाइडर्स की माने तो श्रद्धा की मॉम फरहान के साथ काफी कंफर्टेबल थी। तो क्या श्रद्धा के स्पेशल फ्रेंड बन चुके फरहान को श्रद्धा की मॉम ने भी कर लिया है एक्सेप्ट? 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की अलेजेड गर्लफ्रेंड उलिया वेंटूर नजर आएंगी हिमेश रेशमिया की एल्बम में गाना गाती हुई। उलिया और हिमेश की ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई है, जिसमें उलिया हिमेश के साथ अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करती लग रही हैं। आपको बता दे, उलिया को अपने वीजा प्रॉब्लम की वजह से वापस रोमानिया जाना पड़ा था, लेकिन अब ये देख कर लगता है कि उन्हें वर्क वीजा मिल जाएगा। 30 खबरें फटाफट। डायरेक्टर शाद अली, जो कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ इन दिनों ओके जानू बना रहे हैं, उनके घर रिसेंटली एक पार्टी हुई जहां करण जौहर अयान मुखर्जी आए नजर। शाद अली जब इन्हें बाहर ड्रॉप कर रहे थे, तब इन डायरेक्टर्स को किया गया स्पॉट। इस पार्टी से निकलते वक्त हमने श्रद्धा कपूर को भी स्पॉट किया, एंड रिपोर्टेडली आदित्य रॉय कपूर भी इस पार्टी में मौजूद थे, मगर जल्दी निकल गए। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट पहुंची एक इवेंट पर, जहां उन्होंने शेयर किया कि उन्हें SRK के साथ काम करके कैसा लगा और ऐसा क्या है जो वो किसी को बताएंगी नहीं। It was a magical moment working with him in dear जिंदगी। और हाँ, I think मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं शेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो सब मेरे लिए, बाकी लोगों को पता चल जाएगा, तो मैं वो बोलूंगी नहीं। बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, आई एम रियली मिसिंग हिम टुडे। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, क्यों शाहिद दीपिका की वजह से करना चाहते हैं अपनी PR एजेंसी चेंज? 30 खबर है कि जग्गा जासूस अब फाइनली लगभग बनकर तैयार है और कुछ लास्ट शॉट्स शूट किए जा रहे हैं। वहां अब रणबीर कपूर कटरीना के क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टेडली रणबीर चाहते हैं कि मूवी के प्रमोशन के पहले इन दोनों के बारे में लोग पॉजिटिव बातें ही करें, ताकि मूवी को कोई नुकसान ना हो। 30 खबरें फटाफट। सोनम को हर पल रहना है बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ। सोनम और आनंद की लंदन में एक फ्रेंड की एंगेजमेंट अटेंड करते हुए ये पिक्चर हो गई वायरल, जहां सोनम ओपनली अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो सोनम ने रिसेंटली लंदन में अपने रूममेट बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। वेल, हमेशा अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखने वाली सोनम लगता है आनंद के लिए बहुत पोजेसिव होती जा रही हैं। 30 खबरें फटाफट। Thank you.
शाहरुख खान ने आर्यन के साथ सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट की है और लिखा है, थैंक्स टू थैंक्सगिविंग गॉट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम विद माय लिटिल वन। हम आपको बता दें, आर्यन अपनी स्टडीज की वजह से शाहरुख खान के साथ हमेशा नहीं रहते। ऐसे में SRK को जब भी मौका मिलता है वो आर्यन के साथ टाइम स्पेंड जरूर करते हैं। 30 खबरें फटाफट। फिल्म फेयर मैगजीन ने रिसेंटली होल्ड किया फिल्म फेयर मराठी अवार्ड्स, जहां मराठी सिनेमा के जाने माने स्टार्स तो पहुंचे ही, मगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी कई स्टार्स को वहां स्पॉट किया गया। वहां नजर आए आलिया भट्ट, अनिल कपूर, कार्तिक आर्यन, सोनाली बेंद्रे, विवेक ओबेरॉय और भी कई एक्टर्स इस इवेंट को ग्रेस करने पहुँचे और वहाँ का ग्लैमर क्वोशंट बढ़ाने। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर फिल्म पद्मावती की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं और आजकल शाहिद कपूर इस फिल्म के लिए जमकर जिम में पसीना बहा रहे हैं। शाहिद कपूर ने अपने जिम सेशन की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की है। 30 खबरें फटाफट। उलिया लौट आई हैं इंडिया और सलमान खान की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो जम कर रही हैं पार्टी, और ये पिक्चर्स हैं इसी बात का बड़ा सबूत। उलिया इस पिक्चर में सलमान, करीना, सैफ और कुछ दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं। वेल, ये पिक्चर्स इस ओर इशारा तो कर रहे हैं कि हो ना हो सलमान उलिया का हो रहा है पैचअप। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर के डैड रणधीर कपूर ने बेबो की डिलीवरी डेट को लेकर चल रही रूमर को खत्म करते हुए कहा है कि कपूर फैमिली में नन्हा मेहमान 20th दिसंबर तक आ सकता है, और इसे लेकर कपूर और खान फैमिली दोनों ही काफी एक्साइटेड हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली करण जौहर के चैट शो में रणबीर और रणवीर ने बहुत से रेवलेशंस किए, जिसमें से एक ये था कि रणवीर ने करण के फोर्स करने के बावजूद दीपिका के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया, बट नाउ ही हैज सेड कि वो सब बकवास था। 30 खबरें फटाफट। सुनने में आया है कि शाहिद कपूर अपने 4 साल पुराने पब्लिसिस्ट को चेंज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह है उनकी पद्मावती को स्टार दीपिका पादुकोण से इनसिक्योरिटी। दरअसल शाहिद और दीपिका का PR एक ही एजेंसी हैंडल कर रही है। ऐसे में शाहिद को लगता है कि क्योंकि दीपिका संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में टाइटल रोल प्ले कर रही है तो एजेंसी उन्हें ज्यादा पुश करेगी, वहीं शाहिद को साइडलाइन कर दिया जाएगा। शायद यही रीजन है कि शाहिद इज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू हिज फॉर्मर पब्लिसिस्ट। 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान, आलिया भट्ट, सोहाली खान और कुणाल खेमू पहुंचे पेट अडॉप्शन इवेंट पर, जहां उन्होंने सबको पेट अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया। इस इवेंट पर आलिया का पेट लव भी आया सबके सामने। मेरे हाथ ऐसे, मतलब इट्स इचिंग टू गो एंड जस्ट पिक अप वन ऑफ दीस कैट्स और डॉग्स एंड टेक देम होम, पर मेरी मम्मी बहुत मारेगी मुझे। आई ऑलरेडी हैव 2 cats एट होम एंड मुझे इतना टाइम नहीं है टू लुक आफ्टर अ कैट राइट नाउ एट दिस मोमेंट, क्योंकि हम लोग घर भी बदल रहे हैं और वो प्रॉब्लम है, बट आई थिंक हमको ले लेना चाहिए। मेरी मम्मी ने एक्चुअली पहले से वार्निंग दिया है कि इफ यू ब्रिंग होम अ कैट देन आई एम गोना किल यू। 30 खबरें फटाफट। जॉन अब्राहम सोनाक्षी सिन्हा की फोर्स 2 की सक्सेस पार्टी में जहां प्रोड्यूसर विपुल शाह, सोनाक्षी और बाकी कास्ट एंड क्रू दिखे खुश, वहीं जॉन ने वहां अपनी बाइक पर स्टाइलिश एंट्री मारते हुए ये भी किया रिवील कि फोर्स 2 की सक्सेस से खुश, अब वो फोर्स 3 भी बनाएंगे। आज ही बात हुई, हम लोग फोर्स 3 डेफिनेटली बनाएंगे। अभिनय दियो उसको डायरेक्ट करेंगे, विपुल शाह और मैं उसको को प्रोड्यूस करेंगे, एंड ACP यशवर्धन उसमें होगा जरूर, बट वी आर डूइंग अ फोर्स 3 और मिडल ऑफ 2000, ये कौन सा साल है, अच्छा तो मिडल ऑफ 2017 में हम लोग शुरू करेंगे। 30 खबरें फटाफट।
ओवर द वीकेंड मुंबई में हमने कई सारे स्टार्स को किया स्पॉट, जहां कोई नजर आया डिनर करते हुए तो कोई अपने यूजुअल रूटीन में। वी स्पॉटेड जैकलीन फर्नांडिस एंड सनी लियोनी एट द एयरपोर्ट, जहां सनी ने खिंचवाई सेल्फी। शिल्पा शेट्टी अपने हबी राज के साथ नजर आई ऑन अ डिनर विद सम फ्रेंड्स। ऋतिक रोशन कैप लगाकर निकलते हुए नजर आए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर। जूम ने अपने नाइट राउंड अप में कैप्चर किए ये स्टार्स इन देयर रूटीन। 30 खबरें फटाफट। बच्चन फैमिली में प्रॉब्लम्स की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन अब अभिषेक बच्चन ने कहा है कि मौका मिलने पर वो अपने मॉम डैड और ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म करेंगे। दरअसल अभिषेक से पूछा गया था कि क्या कभी फ्यूचर में बच्चन को लोग एक साथ एक स्क्रीन पर देख पाएंगे। 30 खबरें फटाफट। आलिया को किया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर के बाहर स्पॉट। सोर्सेस की माने तो आलिया भट्ट सिद्धार्थ के पेरेंट्स से मिलने गई थी, और सिद्धार्थ के घर से निकलते समय आलिया को कैमराज ने कर लिया कैप्चर। यानी क्या आलिया भट्ट के डैड महेश भट्ट के बाद अब सिद्धार्थ के पेरेंट्स ने भी दोनों को दे दिया है ग्रीन सिग्नल। वैसे रिसेंटली दोनों अपने ऑन ऑफ रिलेशनशिप की वजह से ज्यादा न्यूज में रहे हैं, लेकिन सिद के घर के बाहर आलिया को देखा जाना दोनों के रिलेशन में सब कुछ ठीक होने की गवाही दे रहा है। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, श्रद्धा क्यों नहीं करना चाहती सेंशुअस कैरेक्टर। तीस खबरें फटाफट। रणबीर कपूर ने रणवीर सिंह को एम्बैरस कर दिया, ये कहकर कि वो उनके और दीपिका के बच्चों को देखना चाहते हैं। वेल यस, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह करण के कॉन्ट्रोवर्शियल शो के गेस्ट्स थे, और वहीं जब रणबीर और दीपिका की लव स्टोरी की बात हुई तो दीपिका के एक्स रणबीर कपूर ने दोनों के बच्चों को देखने की बात कह दी। वहीं रणवीर सिंह अपनी और दीपिका की केमिस्ट्री पर कुछ नहीं बोल पाए। हालांकि करण के एक और सवाल पर रणवीर सिंह ने ये कह दिया कि वो रणबीर कपूर के साथ कटरीना, दीपिका और अनुष्का के बारे में करना चाहते हैं जमकर गॉसिप। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो रणबीर और कटरीना को करना ही होगा अपनी अपकमिंग फिल्म जगह जासूस का साथ में प्रमोशन, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने की है ये डिमांड। कटरीना रणबीर के फिल्म के मेकर्स ने ये भी कहा है कि दोनों को न्यूज में बना रहना है, फिर चाहे दोनों अपने पैचअप की खबरों को लेकर सुर्खियां बनाएं या फिर किसी और रीजन की वजह से। तो क्या रिसेंटली रणबीर और कटरीना के सीक्रेटली एक दूसरे से मिलने और पैचअप की जो खबरें आई थी वो सिर्फ जगह जासूस के लिए ही थी? वेल, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ इतना तो है कि रणबीर कटरीना को किसी भी कीमत पर जग्गा जासूस का प्रमोशन एक साथ ही करना है, अब दोनों की पर्सनल इक्वेशन कैसी भी हो। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सलमान के साथ उलिया जाना चाहती हैं करण के शो पर। वेल, अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज, उलिया सलमान के साथ अब अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करना चाहती हैं, और जिसके चलते उन्होंने करण के शो में जाने को लेकर बात भी की, लेकिन सलमान इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे खबरें हैं कि कटरीना भी करण के शो पर सलमान के साथ जाना चाहती हैं। अब ऐसे में उलिया की बात सलमान मानते हैं या कटरीना के साथ जाते हैं, ये अभी तक कन्फर्म्ड नहीं है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर ने रिसेंटली एक चैट शो पर किया कंफर्म कि वो हैं सिंगल, और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो लोनली फील करते हैं। साथ ही रणबीर ने ये भी कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है उन्हें डीपली मैडली लव करने वाला बहुत जल्द मिल जाएगा। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर को नहीं प्ले करना है सेंशुअस कैरेक्टर। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में श्रद्धा कपूर ने साफ कर दिया कि वो अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज से हैं बेहद खुश। जब लोग उन्हें इस टैग के साथ बुलाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। श्रद्धा इनफैक्ट फील करती हैं दैट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट रोल टू पुल ऑफ। हालांकि श्रद्धा ने ये भी कहा वो डिफरेंट तरह के रोल्स भी करना पसंद करेंगी, लेकिन जैसे सेंशुअस कैरेक्टर प्ले करने की बात हुई तो श्रद्धा ने मना करते हुए कह दिया कि वो अपने करियर में मेमोरेबल रोल्स करना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट।
युवराज और हेजल की वेडिंग लो अफेयर है और इसमें यूवी ने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ही इनवाइट किया है, लेकिन यूवी ने ये भी मेक श्योर किया है कि उनके सभी क्रिकेटर फ्रेंड्स उनकी वेडिंग का हिस्सा बने। यही वजह है कि शायद चंडीगढ़ में होने वाली यूवी हेजल की वेडिंग रिसेप्शन उसी होटल में रखी गई है जहां टीम इंडिया का स्टे है, ताकि इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच के बाद किसी भी क्रिकेटर को रिसेप्शन अटेंड करने में दिक्कत ना हो। वैसे जहां यूवी के सभी क्रिकेटर फ्रेंड्स इस रिसेप्शन में इनवाइटेड हैं, वहीं खबरें हैं कि हेजल कीच की तरफ से उनका कोई भी दोस्त इस फंक्शन में नहीं है शामिल। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर नजर आ सकते हैं हरियाणवी कॉप के रोल में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दिबाकर बैनर्जी की नेक्स्ट फिल्म में पहली बार अर्जुन कॉप का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म में दो लीडिंग लेडीज होंगी। आपको बता दें, फिल्म मुबारका के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। लगता है फिल्म तेवर के फ्लॉप होने के बाद अर्जुन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर के भाई ईशान कर सकते हैं श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर के साथ बॉलीवुड डेब्यू। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, करण जौहर मराठी हिट फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक बना सकते हैं, जिसमें ईशान के ऑपोजिट जानवी को कास्ट करने वाले हैं। हालांकि अभी तक इस न्यूज की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर अपने बेटे के बॉलीवुड करियर को सेट करने के लिए सलमान क्या किसी की भी हेल्प लेने को तैयार हैं। अनिल कपूर ने कहा कि ये खबर सही नहीं कि वो सलमान को हर्ष का मेंटोर बनाने के लिए सलमान से मिले। हाँ, वो बात अलग है कि उन्हें सलमान से इस बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो इसके लिए सलमान क्या किसी से भी बात करने को एवर रेडी हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनम या आलिया किसे मिलेगा इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आलिया और सोनम दोनों को ही लगता है कि वो इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड डिजर्व करती हैं। जहां आलिया फिल्म उड़ता पंजाब और डियर जिंदगी में अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट मानती हैं, वहीं सोनम को लगता है कि नीरजा में उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी। अब देखना ये होगा कि ये अवार्ड मिलता किसे है। 30% एक्स्ट्रा। खबर है कि आमिर खान ने फिर से स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आमिर ने इस साल जनवरी से सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी थी और इसी साल उन्होंने डाइट और बॉडी पर खास ध्यान रखते हुए 25 kg वेट भी लूज किया। मगर अब आमिर ने अपनी मूवी दंगल की रिलीज से पहले फिर स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। आमिर अपनी मूवी पीके, तलाश और धूम 3 की रिलीज से पहले भी ऐसा कर चुके हैं। खबरों की माने तो आमिर अपनी रिलीज से पहले फिल्म की सक्सेस को लेकर बहुत नर्वस हो जाते हैं और स्मोकिंग से दूर नहीं रह पाते। मगर आमिर अपने बेटे आजाद के सामने स्मोक नहीं करते और आजाद आमिर को बार बार इस आदत के लिए टोकते रहते हैं।